everyone, today we will discuss question number 4th of exercise 3.1 of class 10 chapter 3 pair of linear equations in two variables. इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 की जो टू पार्ट्स हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, अब रिमेनिंग जो टू पार्ट्स है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. हमें जो फॉलोइंग पेयर्स दे रखे हैं लीनियर इक्वेशंस के, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है. और अगर कंसिस्टेंट है तो हमें उसका जो सॉल्यूशंस फाइंड करना है वो ग्राफिकली फाइंड करना है. तो देखो इसका जो थर्ड वन है 2x plus y minus 6 that is equals to 0, 4x minus 2y minus 4 that is equals to 0. तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, a1 upon a2 फाइंड करेंगे. So, a1 upon a2 हमारे क्या हो जाएगा 2 upon 4. Now, b1 upon b2 फाइंड करेंगे तो b1 upon b2 क्या हो जाएगा 1 upon minus का 2. Now, we will find c1 upon c2. So, c1 upon c2 क्या जाएगा minus का 6 upon minus का 4. ठीक है, अब देखो यहाँ पर minus से minus cancel हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4. So, C1 upon C2 हमारे पास क्या आ गया है 3 upon 2. ओके, यहाँ पे देखो A1 upon A2 को भी हम कर देते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और A1 upon A2 कितना आ गया हमारे पास 1 upon 2. B1 upon B2 कितना है हमारे पास 1 upon minus का 2. ठीक है, और C1 upon C2 क्या है 3 upon 2. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि A1 upon A2 does not equals to have b1 upon b2 के. और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो ग्राफ पर हमें कौन सी लाइन मिलती है, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है. और इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है तो इसका मतलब हमें एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है. और जब भी हमें सॉल्यूशन मिलता है वन मिले या मोर देन वन मिले तो उस समय जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती है वो कंसिस्टेंट होती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट. अब हमने ये तो फाइंड कर लिया कि ये हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है. अब कंसिस्टेंट है तो हमें इसका सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, ग्राफिकली फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन के दो दो सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और फिर उन्हें ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. यहाँ मैंने दो टेबल बनाई हैं, जो फर्स्ट टेबल है वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और यहाँ जो सेकंड टेबल है वो सेकंड इक्वेशन के लिए है. दो दो सॉल्यूशंस हमें यहाँ पे फाइंड करना है. तो देखो मैं यहाँ पे आती हूँ फर्स्ट पर. सबसे पहले हम x की वैल्यू लेते हैं. x की वैल्यू अगर मैं 0 रखती हूँ तो y हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर इक्वेशन में आकर x की जगह 0 पुट करना है. तो ये हो जाएगा 2 0 प्लस वाई माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. ओके, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 6. इट मींस जब x 0 है तो y हमारे पास क्या है 6 है. ठीक है, अब हम एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. अब x की जगह हम ले लेते हैं 2. ओके, यहाँ पर x की जगह हमें 2 रखना है. ये हो जाएगा 2 प्लस y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. 2 2 सा 4 प्लस y माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0. तो ये क्या आ जाएगा, प्लस 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा. ओके, सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2. इट मीन्स जब x 2 है तो y हमारे पास क्या है 2 है. ठीक है, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन के तो दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, अब हम सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं x इक्वल्स टू 2. ठीक है, यहाँ पे x की जगह हमें 2 पुट करना है, माइनस का 2 y
माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0. 4 टू से क्या हो गया 8 माइनस 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0. ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो माइनस का 2y है ना प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0. प्लस 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है. और माइनस का 2y को हमने ऐसे ठीक रह लिया, तो माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है. सो y इज इक्वल टू माइनस का 4 अपॉन माइनस का 2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 टू जा 4. सो x जब 2 है तो y भी क्या है हमारे पास 2 है. अब हम एक और रखेंगे, अब हम x की जगह हम 3 पुट कर देते हैं, ठीक है. x 4, x की जगह हमने 3 लिया, माइनस का 2y माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0. 4 3 जा क्या हो गया 12 माइनस 2y माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है. ये कितना आ जाएगा हमारे पास 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा. माइनस का 2y प्लस का 8 दैट इज इक्वल टू 0, ओके. सो माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा. ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, वो माइनस में जाएगा. सो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8. सो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4. इट मीन्स जब x 3 है तो y कितना है 4. अब हमने दो दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं, अब इन सॉल्यूशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे. अब हम सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो देखो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है. ये x एक्सिस होता है और ये क्या होता है y एक्सिस होता है. देखो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशंस पे हम आते हैं. जब x 0 है तो y क्या है 6 है. x 0 है तो y क्या है 6 है. इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं 0, 6, ओके. अब जब x 2 है तो y कितना है 2 है. जब x 2 है तो y कितना है 2 है. इट मीन्स ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं 2, 2, ओके. और जब अब दूसरी इक्वेशन है इसकी सॉल्यूशंस पे हम आते हैं. जब x 2 है तो y कितना है 2. इट मीन्स यही वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक है. अब x 3 है तो y क्या है 4. x आपका 3 है तो y क्या है 4. इट मीन्स इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे 3, 4. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे फर्स्ट इक्वेशंस की जो हमने पॉइंट बनाए हैं इन्हें हम क्या कर लेंगे स्केल से मिला लेंगे. अब इसी तरह जो सेकंड इक्वेशंस के हमारे अकॉर्डिंग जो आए हैं पॉइंट्स उन्हें भी हम स्केल से इस तरह से मिला लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन है इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है. तो यही पॉइंट हमारा क्या है सॉल्यूशन है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जब ग्राफ पर कभी आती है तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है. तो यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या हो गया है 2 और वाई भी क्या हो गया है 2, है ना. हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलता है. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें मिलता है. x कितना 2, y कितना है 2. तो ये था इसका थर्ड पार्ट. अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पार्ट. क्वेश्चन नंबर 4 इज 2x माइनस 2y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0. 4x माइनस 4y माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0. सबसे पहले हमें a1 अपॉन a2 फाइंड करना है. तो यहाँ पर a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4. देन वी विल फाइंड b1 अपॉन b2. तो b1 अपॉन b2 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 4, ठीक है. एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन माइनस 5. अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 4. सो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 2. माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 2 4. सो b1 अपॉन b2 इज 1 अपॉन 2. माइनस से माइनस कैंसिल, c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 5. तो आप यहां देख सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट
does not equals to C1 upon C2. A1 upon A2 equals to B1 upon B2 does not equals to C1 upon C2. और जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो जो ग्राफ पर हमें लाइन मिलती है वो हमें पैरेलल लाइन मिलती है, और पैरेलल लाइन मिलती है तो इसका मतलब हमें एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है. तो हम यहाँ लिखेंगे लाइंस आर पैरेलल एंड Have no solution. तो क्या हो जाएगी हमारे पास pair of linear equations, क्या हो जाएगी, inconsistent हो जाएगी. Hence the pair of linear equations are inconsistent. यह है क्वेश्चन नंबर फोर्थ. हमने एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर फोर के जो दो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. सो थैंक यू.